किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। नारा दिल्ली चलो का है और लगातार विचार विमर्श बैठकों के बावजूद टकराव है। हम आपको किसान आंदोलन की पूरी स्थिति दिखाएंगे, किसान संगठनों की मांगे, उनके आर्थिक पहलू और सरकार के रुख पर पेश है श्वेत पत्र। तारीखें बदल गईं, मांगे बदल गईं, प्रदर्शन में शामिल किसानों के गुट बदल गए, नेता बदल गए, कृषि मंत्री बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है आंदोलन। पीसफुली ढंग से प्रोटेस्ट कर इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आंदोलन हमारी ओर से पूरी तरह पीसफुल रहेगा। सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनकी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी समझती सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी किसानों की मांगों के साथ है। अन्नदाता हमारे देश हमारे समाज के रीढ़ के हड्डी हैं। आप चंदादाता को सब छूट देते हो, अन्नदाता की आवाज क्यों नहीं सुनते हो? जितना बेहतर अधिक से अधिक हो सकता है वो हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीजों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में। 5 दिन 12 मांगे 250 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन, हजारों किसान, लेकिन मकसद सिर्फ हमारी मांग पूरी करें। तो सरकार किसानों के साथ नहीं है, सरकार पूंजीपतियों के साथ है, अडानी अंबानी के साथ है। इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत किसान जो सरकार जो है किसानों की मांगे नहीं मान रही, उनको एमएसपी नहीं दे रही है। किसान आंदोलन का निर्णय हमारा टिकैत बाबा ले, जो वो निर्णय लेता है हम उस पर अमल रहते। नहीं जी, हम खिलाफ किसानों के लिए तो सभी काम ठीक हो रहा जी। एक बार फिर वही बैठकों का दौर जारी है, एक बार फिर वही उम्मीद की लौ जल रही है, एक बार फिर संवाद हो रहा है, लेकिन क्या समाधान निकलेगा? मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी कराया कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। मेरा तो ये कहना है कि ये किसान हितैषी सरकार है, मोदी जी किसान हितैषी हैं, उसमें किसान की जो भी समस्या है उसके प्रति वो पूरी तरह से गंभीर और जागरूक हैं, तो पूरी तरह से हिंदुस्तान के किसान के हक में तमाम फैसले किए जा रहे हैं। भारत बंद के बाद एक बार फिर से किसान दिल्ली चलो पर अड़े हैं। शनिवार को कुछ किसान संगठनों ने पंजाब में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के घर के सामने धरने दिए, लेकिन असल उम्मीद अब रविवार से है जब चौथे दौर की बैठक होगी जिसमें पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय किसानों से बात करेंगे ताकि कुछ हल निकाला जा सके। मैं मानता हूं कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है, इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को यदि हम समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका समाधान को अच्छे ढंग से निकालता। लेकिन क्या किसान और सरकार के बीच कोई रास्ता निकलेगा? क्या किसान आंदोलन खत्म हो पाएगा? क्या सरकार एक बार फिर किसानों के आगे झुकेगी? क्या होती है एमएसपी की कानूनी गारंटी? क्यों किसान कहते हैं कि पराली जलाने पर कोई सजा नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई किसानों की सारी मांगे जायज हैं? क्या किसानों के प्रदर्शन के पीछे कोई राजनीति है? किसान के आंदोलन में लगातार सरकार, भारत सरकार के 3 मंत्री वार्ता कर रहे हैं। जो मांग है उसमें जो भी मांग है सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि अगली बैठक जो 18 तारीख को होने वाली है उस तब तक कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी जैसे नामों से पुकारा था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप बताएं ना कि आपने किसानों से अगर जो वादे किए थे 2 साल पहले उनको क्यों आप पूरा नहीं कर रहे? आपने किसानों के साथ छल करने का काम किया है, और अगर किसान अपनी मांगों के लिए आपसे बात करना चाहता तो आपके पास समय नहीं है।
दिल्ली एनसीआर से लगे कई बॉर्डरों पर बवाल हो रहा है। सिंघू बॉर्डर पर कड़ा पहरा है, खनौरी बॉर्डर पर किसान पुलिस सामने सामने है, गाजीपुर बॉर्डर के दो रास्ते बंद, लोग परेशान हैं। कोई भी प्रकार से कुछ तो संतुलन बता रही जाए, कुछ भी उसको किया जाए कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर यहीं रखवाना है तो हमको छोड़ दें, हम घर चले जाएं, गाड़ी अपने अंडर में ले ले, और क्या कर सकते हैं। भाड़ा नहीं मिलेगा, भाड़ा कटेगा, किस्त नहीं भर पाएगी, किस्त नहीं भर पाएगी तो गाड़ियों को फाइनेंस वाले पकड़ेंगे। हमारे तो चंडीगढ़ के लिए रोड लोडिंग है, तो पूरा रोड जाम पड़े हैं सब तरफ से। मुश्किल तो यही, रोड बंद करके रखे हैं बिल्कुल, और नेट भी बंद है, ना पेमेंट मंगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। पैसे की और खाने की सबसे बड़ी समस्या है, बस नेट नहीं चल रहा, नेट तो वही तो है ही, फिर पैसा नहीं है तो नेट कहाँ से, नेट ही नहीं है तो पैसा कहाँ से, यही समस्या हो रही है। किसान नेता एमएसपी पर कानून चाहते हैं और सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन किसान अगर कमेटी पर तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? श्वेत पत्र में किसान आंदोलन के दूसरे संस्करण की पूरी जानकारी। पिछला किसान प्रदर्शन 378 दिन चला था, सरकार को तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने पड़े थे, तब जाकर किसानों का धरना समाप्त हुआ था। इस बार कुछ मांगे पहले वाली हैं, कुछ मांगे नई हैं, कुछ पर सरकार राजी है और कुछ पर फंसा है पेच। समस्त कृषि उत्पादों को एमएसपी के दायरे में लाना, गारंटी देने की बात सरकार ने करी थी, उसकी जो वायदा खिलाफी हो रही है, उस मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ सारे किसान यहाँ आए। एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। विस्तृत रूप से खेती की लागत जो है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए, उसकी तो बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करेंगे, हालांकि सरकार, भारत सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी पे कमेटी बैठाई हुई है और इसका काम चल रहा है। इस बार किसानों की 12 मुद्दों पर सरकार से समाधान की मांग है। आइए आपको पहले बताते हैं कि वो 12 मांगे हैं क्या। फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों के कर्ज माफ हो, भूमि अधिग्रहण 2023 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी केस के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक हो, संविधान 5 की सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो, मिर्ची हल्दी समेत मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर एक्शन के लिए कानून बने, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और 700 रुपए मजदूरी दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस हो। हम समर्थन के दृष्टि से, समाधान के दृष्टि से हम ये सोच रखें कि हमें इस क्षेत्र में समाधान करना है, समस्याओं से मुक्त और किसी को किसी तरह का परेशानी ना हो, इसकी चिंता। शुरुआती बातचीत में ही सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मान ली थी, मारे गए किसानों को मुआवजा और किसानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापसी पर सहमति, विद्युत संशोधन विधेयक रद्द करना सहित करीब 10 मांगे मान ली गईं, लेकिन पेच फंसा है एमएसपी पर तुरंत कानून की गारंटी, किसान कर्ज माफी और कृषि मजदूरों को पेंशन के मुद्दे पर। इसमें भी एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड, इट इज वेरी मच नोन फैक्ट दैट इट इज प्रो फार्मर, सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर
discussion. They should go for the way of path of the discussion, not agitation. This is what I appeal. अब आपको बताते हैं कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब क्या मांगे थी किसानों ने। पिछले आंदोलन की मांग थी कि कृषि सुधार के तीनों कानून वापस लिए जाएं, किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने की नीति को जारी रखा जाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य या केंद्र की एजेंसियों के किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। पराली जलाने के मामले में किसानों को अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पुरानी मांगों पर सरकार ने क्या वादा किया था वो भी बताते हैं। इन मांगों पर तब केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस लेने, आंदोलन और पराली से जुड़े मामलों में मुकदमे वापस लेने, एमएसपी पर कमेटी बनाकर विशेषज्ञों की राय के अनुसार समाधान निकालने, मारे गए लोगों को 5 लाख मुआवजे और एक सदस्य को परिवार में नौकरी का वादा किया। सरकार से समाधान के वादे मिलने के बाद किसान वापस लौट गए। फिर सरकार ने क्या किया वो भी बताते हैं। तीनों विवादित कृषि कानून वापस ले लिए थे। किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए सभी मामले वापस लेने की मांग मान ली थी। हालांकि एमएसपी को लेकर कोई कानूनी गारंटी नहीं दी गई, लेकिन समिति बनाई गई थी जिसमें विशेषज्ञों को शामिल किया गया। समिति ने करीब 37 बैठकें और कार्यशालाएं की। बोला सीएसीपी में जो आप अनाउंसमेंट करते हर 6 महीने के बाद अपनी एमएसपी, वो पूरी आप उसके चर्चा करने के बाद करते हैं, तो उस 23 फसलों के बाद जहां आप एमएसपी का अनाउंस करते हैं उनके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बना दीजिए, भाग निकले। तो वो कुछ करना नहीं चाहते। कर्ज के ऊपर हमने बात की तो बोले कमेटी डिसाइड करेगी कितना कर्ज है कितना नहीं। बोले देखो बैंकों का कर्जा है, ये 10 दिन में सारा डेटा सामने आ जाता, सबको मालूम है कितना देश के किसान मजदूर के ऊपर कर्जा है। तो मान के भी हम जब हमने ये सवाल किया भी, आप कहते हैं देश में कानून है, कानून व्यवस्था रहेगी, ठीक है, और कुछ केसों के ऊपर वो जीनियस क्राइम बोल रहे थे हमारे केसों के ऊपर। हमने बोला क्या लखीमपुर खीरी को आप जीनियस क्राइम नहीं मांगते? बोले मानते हैं। तो बोला आपका जो मंत्री है अजय मिश्रा टैनी, उसके ऊपर 120B का पर्चा है साजिश करने का, तो आपके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, उसको निकालिए। उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था, जिससे बिजली संशोधन बिल के ऊपर भी बिल्कुल तथ्यों से हटकर मंत्री महोदय ने बात की। किसान और सरकार आमने सामने, समस्या का हल होता अभी दिखता नहीं। आंदोलन चल रहा है और समाधान की उम्मीद में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ गया है। किसान आंदोलन के दौरान आप बार बार एक शब्द सुनते हैं, एमएसपी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम आपको बताते हैं कि यह क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो कीमत है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। 1966-67 में यह व्यवस्था शुरू की गई थी ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। तब से यह चल रहा है। अभी इसके दायरे में धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर, ज्वार समेत 23 फसल आते हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी कानून बनाया जाए। विस्तार से समझिए इसके बारे में। सबसे मेन मांग हमारी एमएसपी गारंटी। हमें एमएसपी गारंटी को लेकर हम कई वर्षों से पंचायत करते चले आ रहे हैं। तो हमारी मेन मांग है जी एमएसपी की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमें चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं है। अभी कहने बैठ के साडा जो एमएसपी की गारंटी 2 साल पहला वादा सरकार ने करे है वो साडा पूरा कर दूंगा। ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਮੇਂ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆੰਦੋਲਨ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਾਤੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਣੇ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਸੰਸਦ ਕਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਹੈ। किसानों से जियाती हो रही है, सरकार गलत कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध करने के लिए और अपने मांगों के समर्थन में हमने ये 2 प्रोग्राम दिए। शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं 10,000 लोग पहुंचे हुए हैं,
हरियाणा सरकार तशद्दद कर रही है, हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं, हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा, उसके हिसाब से बात करें। किसान शांति में बैठे फिर बिल्कुल, हाँ देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से एजीटी से कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। किसान और उनके संगठन जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं वो फसल की गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही उस फसल की कीमत बाजार में कम क्यों न हो। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से संबंधित है, वो एमएसपी की कीमत तय करता है। 2018 में सीएसीपी ने एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की सिफारिश की थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। एमएसपी का मतलब ये नहीं कि सारा सरकार ने ही प्रोक्योर करना है, एमएसपी का मतलब ये कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस गेहूं का आज की डेट में जो एमएसपी अभी जो अगले महीने फसल आ जाएगी उसका एमएसपी कोई 2275 रुपए ऐसे पर क्विंटल का है, लेकिन बाजार में भाव अभी 2700 रुपए चल रहा है। तो इसका मतलब इवन अगर आप एमएसपी पे कर लेना शुरू करेंगे तो किसान इस रेट पे वैसे ही नहीं आएगा आपके पास, तो बड़े निकास पड़ेगा। आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप एमएसपी पे ही वो करें, लेकिन एक बेंचमार्क है, इससे ये होता है कि मार्केट का एक दाम तय हो जाता है। हम आपको बता दें कि एमएसपी का लाभ अभी 6-20% किसानों को ही मिल पाता है, लेकिन अगर कानून बना तो ये कहा जाता है कि देश के हर किसान को उसका लाभ मिल सकेगा। फिर इसे लागू करने में किस तरह की मुश्किलों की बात कही जाती है आपको वो बताते हैं। सीएसीपी जब किसी फसल का मूल्य तय करता है तो कई बातों को ध्यान में रखता है, जैसे मांग, आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर संभावित असर। कानून बनाने के लिए एक पूरे नए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी जिसके सामने चुनौतियों का अंबार रहेगा। इसके अलावा अगर व्यावहारिक कठिनाई देखी जाए तो वो ये है कि अगर कोई खरीदार एमएसपी पर फसल नहीं खरीदने को तैयार होगा तो सरकार को वो फसलें खरीदनी होंगी और ऐसे में देश में भंडारण और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। निजी व्यापारियों को एमएसपी पर खरीदने को मजबूर नहीं किया जा सकता, लिहाजा देश के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। अब अगर सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाती है तो उसका क्या असर पड़ सकता है वो देखिए। वित्त वर्ष 2020 में कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुल कृषि उपज का 6.25% है। एमएसपी के तहत ये कुल उपज का 25% थी। अब अगर एमएसपी कानून बना तो सरकार को कम से कम 10 लाख करोड़ का बजट देना पड़ेगा, जो उस बजट के बराबर है जिससे देश में सड़क, अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है। यानी समानांतर इतना कृषि बजट पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। जब भी एमएसपी की बात आती है तो ये भी सुनाई देता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तत्काल लागू होनी चाहिए, अधिकतर किसान नेताओं की भी यही मांग है। तो आपको पहले ये बताते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा क्या गया है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। इससे फसल में लगने वाली लागत को 3 हिस्सों A2, A2 प्लस FL और C2 में बांटा गया। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाली लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर ही फसल पर MSP देने की सिफारिश की थी। MSP के दायरे में वैसे 23 फसलों को रखा गया है, अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें रखी गई हैं। सबसे अधिक लेकिन गेहूं और धान की फसलों पर ही MSP का ज्यादा लाभ मिलता है और इसको लेकर हर सरकार में चुनावी नफा नुकसान भी देखा जाता है। 2004 से 2014 में यानी UPA की दोनों सरकारों में धान और गेहूं की MSP 2 गुनी रफ्तार से बढ़ाई गई। धान पर 143% और गेहूं पर 127% की बढ़ोतरी की गई। 2015 से 2024 के दौरान जब मोदी सरकार आई
तो धान के लिए एमएसपी 60% और गेहूं के लिए 57% तक बढ़ी। वैसे सरकार जिस एमएसपी पर खाद्यान्न किसानों से खरीदती है, वही खाद्यान्न जनता को सब्सिडी पर बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराती है। सरकार की मुश्किल यही है कि एमएसपी पर कानून बना और सारी खरीद खुद करनी पड़ी तो देश का बजट बहुत बढ़ेगा और अन्न कम कीमत पर ही देना पड़ेगा। लेकिन किसान सड़क पर है तो समाधान का उत्तरदायित्व भी सरकार का है। इस बार किसान आंदोलन पार्ट 2 का नेतृत्व नए किसान संगठन कर रहे हैं। प्रदर्शन का ऐलान किया संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और पंजाब से ही किसान मजदूर मोर्चा ने। संयुक्त किसान मोर्चा में पंजाब के 32 प्रमुख किसान संगठन शामिल हैं। भाव फसलों के तो बहुत बढ़े देखे, लेकिन अब किसानों के भाव बढ़े हैं। यानी भाव बढ़े हैं, तेवर चढ़े हैं, इरादे बढ़े हैं। ये किसान प्रदर्शन पार्ट 2 जरूर है, लेकिन अंदाज वही पहले वाले हैं। किसान आंदोलन के इस एडिशन में हरियाणा और पंजाब के किसानों के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान संघर्ष समिति इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन में वो चेहरे सामने नहीं है जो पिछले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चे के दो धड़े हो गए हैं, एक गैर राजनीतिक इसमें शामिल है, दूसरा नहीं। जब पूरे देश का आंदोलन था तो पूरे देश के संगठन शामिल भी करने चाहिए थे। अब इसमें बहुत से संगठन शामिल नहीं किए, उनको पूछा ही नहीं गया। अपने आप वो भाई आ रहे हैं, अब उसमें पूरा एसकेएम तो शामिल ही नहीं है। उन्होंने बयान दे दिया कि एसकेएम शामिल नहीं है। अब ये गैर राजनीतिक उन्होंने कुछ संगठन मिलकर बनाया है, उनकी इच्छा है, वो गैर राजनीतिक रहना चाहते हैं। लेकिन आंदोलन जो है वो देश के किसानों का है। और दूसरी बात, वो कैसी राजनीति मानते हैं? मेरे 32 साल से जो है किसान यूनियन में काम कर रहा हूँ, अपना परिवार भी बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद भी अगर राजनीति करनी होती किसी राजनीतिक पार्टी में जाके करता। वो कैसे राजनीतिक बता रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। इस बार जगजीत सिंह दल्लेवाल का संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। दोनों ही संगठन पूर्व में संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक में हरियाणा, राजस्थान, एमपी के किसान समूह में शामिल हैं। एमएसपी बिल्कुल होनी चाहिए और गारंटी होनी चाहिए इसमें एमएसपी की। ये सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान भाई अपनी बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उनके बारे में सोचना चाहिए। और मेरा किसानों भाइयों से भी अनुरोध है कि जो हिंसात्मक, झगड़ालू, गलत, नाजायज किसी अनर्गल परेशान करना, ये नहीं करना चाहिए। एमएसपी सर, किसान की लागत मूल्य तो चाहिए ही चाहिए। लागत मूल नहीं दे रहे तो इसका 50% की जो मांग कर रहे हैं उसका होना जरूरी है। मैं तो ये चाहता हूं कि कभी भी ऐसा ना हो कि एमएसपी से भी नीचे खरीदा जा रहा है। नहीं, हमारी तो मांग यही है कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। दूसरी तरफ किसान मजदूर मोर्चा 18 किसान समूहों का एक संगठन है। पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवण सिंह पंढेर इसके संयोजक है। इस संगठन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान जुड़े हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, बीकेयू मानसा और आजाद किसान संघर्ष कमेटी भी इसी किसान मजदूर मोर्चा का हिस्सा है। जो आड़तियां हैं, बिचौलिया वाले, वो बहुत कम रेटों में हमारी फसल जमी उसको अनाज को और उसको खरीदते हैं, और असली धंधा तो वो ही करते हैं। किसानों को पैसा कहाँ मिल पाता है? सरकार को तो माननी पड़ेगी। 13 महीने पहले रहे, अब क्या जाए 13 साल लग जाए, वही डटेंगे, दिल्ली कुछ करेंगे। एक कॉल की जरूरत है, जब भी एक कॉल होगी एसकेएम की, मजबूत वाली कॉल होगी, सब जाएंगे, सब साथ है, सब तैयार है, ट्रैक्टर तैयार है, किसान तैयार है, सब तैयार है। किसान आंदोलन जो चल रहा है हम उसका समर्थन करते हैं और किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। सरकार को उनको तुरंत मांग लेना चाहिए।
हमारे साथ किसान नेता सरवन सिंह पंधेर जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितने राउंड की बातचीत हुई आपकी, बातचीत में क्या लग रहा है, सरकार का रुख किस तरफ है? देखिए, हम तो आशा कर रहे हैं सरकार पॉजिटिव हो, हम पॉजिटिव हैं, कल की मीटिंग में को अच्छा निर्णय हो। कल आपके साथ मीटिंग है, किस माइंडसेट से आप और बाकी किसान लीडर जाएंगे? हम तो माइंडसेट है जाएं और कुछ लेके आ जाएं, हम तो इस माइंडसेट पे जाएंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि जो आपकी मांगे हैं? ये तो आज नहीं कह सकते, ठीक है, वो तो कल ही पता चलेगा। हम तो पॉजिटिव माइंड से जाएंगे कि सरकार इस मसले का हल करे। अच्छा, सूत्र बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि मीटिंग में केंद्र सरकार ये ऑफर कर सकती है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। सूत्र का कोई आधार जब है ही नहीं, जब वो को प्रस्ताव देंगे तो बोलेंगे ना, पहले कैसे बोल दें? अच्छा, कमेटी सरकार बनाने पर हो कि सरकार एक कमेटी बना देगी एमएसपी को लेकर, जिसमें किसान नेताओं के प्रतिनिधि। एक पत्रकार के सूत्र से कुछ बोला नहीं जाता, ठीक है ना। हम तो कहते हैं भी एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाइए, आप देखिए कैसे बनाना है। नहीं, कानून बनाइए, अगर प्रतिनिधि, अगर अगर एक अगर जो हमें पुख्ता, अगर वो ये सरकार ये बोलती है कि कमेटी बनाई जाएगी, किसान नेताओं के प्रतिनिधि दिए जाएं, तो क्या इस पर आप मैं बोल रहा हूँ, आपको मीटिंग के बारे में पहले मालूम है तभी आप बोल रहे हैं। कैसे देखिए, इस तरह से बात कैसे करेंगे? कोई ऑफिशियली टॉक होगी तब ना, ऐसे कैसे बात करे जाए। अच्छा, कल के बाद क्या, कल के बाद पंधेर जी क्या, कल जो मीटिंग होगी आगे वो मीटिंग के बाद ही होगा ना, कल क्या, मीटिंग से पहले क्या बता दे आप। किसान संगठनों का कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और उनकी मांगे किसानों के हितों के लिए हैं, लेकिन चुनावी समय में जिस तरह प्रदर्शन शुरू हुआ उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। तीन बार जीत सड़क के ऊपर आंदोलन में लगी, कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। सत्ता में रहते जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब वो मांग भी कर रहे हैं और स्वीकार करेंगे बोल रहे हैं, इन पर कौन विश्वास रखेगा। साल पहले आपने कहा आप एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे, स्वामीनाथ जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन किसान सड़क पर। इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, फौरन चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा ना। किसान राजनीति के लिए हमेशा ही एक मुद्दा रहेगा। फिलहाल किसान प्रदर्शन चल रहा है तो राजनीति होना लाजमी है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो पिछला आंदोलन हुआ था 3 साल पहले, अगर वो उनकी बातें 3 साल में पूरी कर देती, इनिशिएट कर देती, लॉ बनाने की तरफ चले जाती, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर लेती, जो कमेटी बनाई थी उसमें फार्मर्स को लेती, उनकी बात सुनती, लेकिन उसमें तो ना उनको लिया गया ना उनकी बात सुनी गई। 3 साल चुप बैठने के बाद किसान मजबूर होकर के, लाचार होकर के दोबारा एजिटेशन करने के ऊपर है, और अगर वो एजिटेट करते हैं पीसफुली तो फिर गवर्नमेंट उनको लाठियां मारती है, टेयर गैस मारती है, रबर बुलेट्स मारती है। हमारे पंजाब के और हरियाणा के 100 से ज्यादा किसान जख्मी हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जो किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी जिस दिन हो जाएगी किसानों की, भारत की अर्थव्यवस्था जिसको आप 5वां स्थान दे रहे हैं, हो सकता है पहला स्थान भी बन जाए। अब अगर देखा जाए किसान संगठनों को तो वो गैर राजनीतिक दल की पहचान के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बयान जो इशारा कर रहे हैं उनसे अलग बहस छिड़ी है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ग्राफ डाउन किवें आ सकता है।
मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवाउंदा फिरदा सी बहुत बारी लोकां नूं इहो कहिंदा सी किसान मजदूर सब की लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है, मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नू के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए, अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। राजनीति समर्थन के साथ चुनावों में सरकार बनने के बाद के दावों के साथ भी हो रही है। हमने किसानों के लिए MSP की लीगल गारंटी दी है, हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही MSP दी जाए, ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसी तरह कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और किसान नेताओं के बीच बातचीत के जो हिस्से सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं वो भी खूब चर्चा में हैं। आम चुनाव सामने हैं, लिहाजा सियासी तड़के की खुशबू फैल रही है। कांग्रेस किसान आंदोलन के रास्ते पीएम मोदी की गारंटी के बदले MSP पर गारंटी का कार्ड चल चुकी है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग सियासी आवाजें भी खुलकर सुनाई दे रही हैं। पिछली बार जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें छोटे छोटे स्तर पर विरोध प्रदर्शन के साथ अचानक आंदोलन ने ऐसा रूप लिया था कि दिल्ली से जिस भी राज्य की सीमा लग रही थी वहां पर किसान आकर अपनी मांगों के साथ बैठ गए थे। इस बार के आंदोलन में क्या अलग है, उन मांगों से लेकर उस विरोध प्रदर्शन तक और उन संगठनों तक भी जो कि इस बार के किसान आंदोलन का हिस्सा है। तीन धरने हरियाणा के अंदर शुरू हो चुके और लगातार बढ़ रहे। जो हमें SKM का हुक्म आएगा हम उस हिसाब से आगे चलेंगे, जो भी हुक्म आएगा। हिंसा कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे तो पाकिस्तान को रोकने के लिए भी प्रबंध नहीं है, आप जाके देखिए बॉर्डर पे जितना प्रबंध इन्होंने निहत्थे किसानों के लिए किया है। मांगे माननी पड़ेगी। इस बार और पिछले बार के आंदोलन में तुलना की जाए तो कई फर्क साफ नजर आते हैं। ...2020-21 में जब आंदोलन हुआ तो किसानों की 32 यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM के साथ आई। अब ये टूट चुकी हैं और इनमें से SKM पंजाब, SKM गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM बन चुकी हैं। इस बार 250 से ज्यादा किसान यूनियन किसान मजदूर मोर्चा के साथ और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ 150 किसान यूनियन शामिल हैं जो मौजूदा आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। ये जो आंदोलन है ये पूरे देश भर का आंदोलन है। जैसे किसान मजदूर मोर्चा एक अम्ब्रेला यूनियन अम्ब्रेला मोर्चा है जिसमें 100 सब यूनियंस हैं। इसी तरह से SKM नॉन पॉलिटिकल है जिसमें 100 सब यूनियन है। दो बड़े फॉर्म काम कर रहे हैं, पूरे देश भर के संगठन इनके साथ है। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता अनुचित है, जो हम तो आज भी कहते हैं। पिछली बार के बड़े किसान नेता जैसे राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल नहीं है। पिछली बार तीन कृषि कानूनों की वापसी प्रमुख मुद्दा थी, MSP की मांग थी। इस बार MSP गारंटी कानून प्रमुख मांग है और उसके साथ पेंशन और WTO से भारत को बाहर रखने जैसी मांगे हैं। MSP के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि MSP खरीद की गारंटी का कानून बने। कानून यह अकेले पंजाब अथवा हरियाणा का सवाल नहीं है। यहाँ तो कुछ फसलों पे खरीद हो रही है पर जैसे मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान और अन्य राज्य हैं देश के जहाँ पर बहुत किसानों की बुरी हालत है तो पूरे देश को ज्यादा MSP खरीद गारंटी कानून की जरूरत है। पिछली बार किसान दिल्ली में प्रवेश कर गए थे, इस बार दिल्ली से उन्हें अब तक दूर रखा गया है और सरकारों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली में प्रवेश के बॉर्डर्स पर भारी पुलिस इंतजाम है। टोटल हमारे पास 5 पिकटे हैं, अप्सरा बॉर्डर मेन हमारा जहाँ पे बॉर्डर हो रहा है UP से लगता है। फिर इसके बाद हमारा विवेक विहार थाना है, वहाँ पे भी 2 पिकटे हैं।
और पूरी फेंसिंग कर रखी है, उसमें 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, जर्सी बैरिकेड है, रेगुलर बैरिकेड्स हैं और कंसर्टीना वायर लगा रखी है और ट्रक और डंपर से भी ब्लॉक कर रखा है, रोड रोलर लगा रखे हैं, क्रेन लगा रखी है, कोई भी मतलब गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है, सब चीज कवर करी गई है। हम पूरी तरह से तैनात हैं और कोई भी चीजें मतलब कंप्लीट कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार जब आंदोलन हुआ तब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब थे और इस बार लोकसभा के आम चुनाव बिल्कुल सर पर है। किसान कई महीनों का राशन लेकर निकले, लंबी लड़ाई के लिए तैयार खुद को बताया, पर लंबी लड़ाई से किसी का फायदा नहीं। स्थानीय लोगों को और स्कूली बच्चों को अभी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 2 महीने से कम समय बचे हैं आम चुनावों के लिए भी। पिछली बार जब किसान आंदोलन के लिए आए थे तो 378 दिनों तक सड़कों पर डटे रहे थे। इस बार उनका आंदोलन कितना लंबा चलता है ये निर्भर करेगा कि सरकार और किसानों की बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लंबी लंबी ट्रकों और ट्रैक्टरों की कतारें बताती हैं कि एक बार फिर किसान लंबे प्रोग्राम से आए हैं। आप लोग फिर से आज जाएंगे आगे? हाँ जी जाएंगे, हम जाएंगे जरूर। ऐसे तो ये सोच रहे भी हम इनको मार के पीछे पे देंगे, हम तो दिल्ली जाएंगे, ये रोक लें हमें, जितना जोर ये लगाएंगे हम, जब तक हम मरते नहीं जब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। माननी तो पड़ेंगे, आज नहीं माने कल मांगेंगे, माननी तो पड़ेंगे, क्योंकि इस बार पिछली बार किसान पीछे नहीं हटा था, इस बार तो और भी नहीं हटेगा, हो जाएगी, करनी पड़ेगी। इस बार उनके प्रधानमंत्री के मुंह की बात है तो वो तो उन्हें करनी पड़ेगी, जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल जारी रहेगा। अगर किसान छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो सरकार का फिक्स होना चाहिए, हर चीज पर कम से कम होना चाहिए कि इससे नीचे चला जाता तो किसान कहीं के नहीं रहता। सड़कों पर कैंप लगाए गए हैं, ट्रैक्टरों को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें लंबे समय तक रहा जा सके। खाने के इंतजाम की जिम्मेदारी महिलाओं ने उठाई है। पंजाब सरकार की तरफ से एम्बुलेंस का इंतजाम है ताकि जो किसान झड़पों में घायल हो जाएं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन किसान आंदोलन का असर आम जनता पर हो रहा है। रास्ते बंद होने के कारण दिल्ली NCR में लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। पंजाब आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि बसें चल नहीं रही हैं। स्कूलों में परीक्षाओं का समय है, ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है। किसान आंदोलन आज बहुत भारी मात्रा में दिल्ली में मतलब होना है, उसकी वजह से आज हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, बहुत मतलब परेशानी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम बहुत नजदीक है, 23 तारीख से बच्चों के एग्जाम है, वो भी फाइनल एग्जाम है। अगर ऐसी मूवमेंट चलेगा तो बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत नुकसान होगा और एग्जाम का पता नहीं बच्चे दे भी पाएंगे नहीं भी दे पाएंगे। आज हमने घबराहट के चक्कर में बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार किसान आंदोलन के चलते दिल्ली NCR में 300 करोड़ का व्यापार का नुकसान हुआ है। व्यापार के लिए दिल्ली में जो 5 लाख व्यापारी पास के राज्यों से आते थे वो आंदोलन के चलते अब दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। टिकरी बॉर्डर बंद होने से 2021 में वहां के कारोबारियों को करीब 20 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और हरियाणा के बहादुरगढ़ के व्यापारियों को ऐसा ही डर सता रहा है। बार बार किसान संगठनों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी मांगे रखें, हम आपके विरोध में नहीं है, लेकिन आप मांगे रखें उस तरीके से रखें कि दूसरा तबका जो भी एक ये भी आपका हिस्सा ही है, ये डिस्टर्ब ना हो, हमारे कर्मचारी डिस्टर्ब ना हो, हमारे उद्योग बंद ना हो, और सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाले। तो नुकसान तो बहुत भारी है जिसका कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेन जो है औद्योगिक जो भी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब दिल्ली से आते हैं और जो लेबर भी है मोस्टली दिल्ली से आती है, सबका आना जाना ही बंद हो जाएगा तो आदमी कैसे फैक्ट्री चलाएगा। हमारी सरकार से एक ही अपील है कि दिल्ली आने जाने के लिए रास्ता खोला जाए, इंडस्ट्री वालों को रास्ता दिया जा सके कि हमारा माल आ जा सके,
बाकी किसानों की जो समस्या है वो सरकार से बात करें, हमारे को किसानों से कोई विरोध नहीं। 3000 करोड़ का नुकसान हुआ था कम से कम 378 दिन के अंदर, और अब भी 3 दिन के अंदर इतना नुकसान हो चुका है। पैकेजिंग का काम है, किसी के पास माल ही नहीं पहुंचेगा तो क्या पैक करेगा, दिल्ली से आने जाना तो बिल्कुल ही बैन है। डर सिर्फ कारोबारियों को ही नहीं है, जानकार मानते हैं कि राजनीति भी इससे अछूती नहीं रहेगी। करीब 2 महीने के बाद ही लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, ऐसे में किसान अगर सड़क पर रहे तो चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर पड़ सकता है।